सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस का सीजन 14 टीआरपी लिस्ट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है। बिग बॉस सीजन 14 के घर में नामी ग्रामी सितारे भी टीआरपी बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी बीच सलमान खान का चार्म भी इस बार कुछ फीका हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह है कि जो बीते सीजन के मुकाबले इस बार के बिग बॉस को फैंस का दिल जीत नहीं पा रहा है ये सीजन। ऐसे में मेकर्स बीते सीजन के सितारों को घर में मेहमान बनकर बुलाते हुए जहां नजर आए हैं, तो वहीं इसी बीच एक और नाम सामने आ रहा है, वो है रश्मि देसाई का। क्या है बुरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दरअसल इन सितारों की लिस्ट में जहां बड़े बड़े नाम रहे, वहीं रश्मि देसाई जो कि बिग बॉस सीजन 13 में नजर आई, उनको बिग बॉस सीजन 14 का इन्विटेशन मिला। इस बात का खुलासा खुद रश्मि देसाई ने किया। रश्मि देसाई ने कहा कि उन्हें बिग बॉस सीजन 14 के घर में आने का कई बार न्योता मिल चुका है। मेकर्स ने कई सारे इवेंट्स के दौरान उन्हें अप्रोच किया था। अब तक भी इस बात का फैसला नहीं कर पाई हूं कि मुझे बिग बॉस सीजन 14 के घर में जाना चाहिए या फिर नहीं, ये रश्मि देसाई ने कहा। वहीं आपको ये बता दें कि बिग बॉस सीजन 14 में हो रही घटनाओं के बारे में बात करते हुए रश्मि ने कहा कि वो ये जानती हैं कि एजाज एक सीनियर एक्टर हैं, उनके मन में एजाज की एक अलग इमेज है। जब भी वो बिग बॉस सीजन 14 के घर में एजाज को देखती हैं तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है। भाई रश्मि देसाई ने बिग बॉस सीजन 14 को लेकर अपनी एंट्री को लेकर बयान सिर्फ इतना सा ही दिया कि भाई उनको नहीं समझ आ रहा कि उन्हें बिग बॉस सीजन 14 के घर में जाना चाहिए या फिर नहीं। अब देखते हैं कि रश्मि बिग बॉस सीजन 14 में दिखाई देती हैं या फिर नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, कि आप रश्मि को देखना चाहते हैं सीजन 14 के अंदर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।